आप ये कहते थे कि हम चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, तो अब आपको लगता है कि एक सीट उनको दी गई है, कोई मजबूती मिलेगी या फिर अभी आपको लगता है कि कहीं कोई कसर बाकी है? देखिए, मैं तो आज भी कहता हूँ, जहाँ तक देखने का सवाल है, मजबूत हमारे कैंडिडेट हैं। तो आपसे क्या इस बारे में मशवरा लिया गया और हाईकमान ने बात की कि कौन सी सीट दे करें, क्या करें, अब क्या तय हुआ है? वो तो मैंने उसमें ही देखा कि कुरुक्षेत्र की का फैसला हुआ है। लेकिन हुड्डा साहब, ये लोकसभा है, लोकसभा के तुरंत बाद जो है चुनाव प्रचार तो विधानसभा का अभी से ही शुरू हो जाएगा, तो क्या विधानसभा में भी कोई गठबंधन की किस अलायंस की आपकी कोई रोल देखते हैं? अभी तो कोई चर्चा नहीं। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ समझौता हुआ है, हरियाणा की सीटों पर भी समझौता हुआ है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा हमारे साथ मौजूद है। हुड्डा साहब, सबसे पहले आप इस गठबंधन को कैसे देखते हैं? देखिए, कोई गठबंधन होता है वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है और मान लो देश के हित के लिए होता है, देश का हित किस चीज में है, और दो पार्टियां मिलती हैं तो फायदा होता ही है। आप ये कहते थे कि हम चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, तो अब आपको लगता है कि एक सीट उनको दी गई है, कोई मजबूती मिलेगी या फिर अभी आपको लगता है कि कहीं कोई कसर बाकी है? देखिए, मैं तो आज भी कहता हूँ, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, 10 की 10 सीट के हम सक्षम है, मजबूत हमारे कैंडिडेट हैं। लेकिन अलायंस का सवाल है, जब अलायंस होता है, सीट शेयरिंग होती है, तो गिव एंड टेक होता है, तो हुआ है, दोनों मिलकर मजबूती से लड़ेंगे ताकि सबको फायदा हो। तो आपसे क्या इस बारे में मशवरा लिया गया और हाईकमान ने बात की कि कौन सी सीट दे करें, क्या करें, अब क्या तय हुआ है? नहीं, वो तो मैंने उसमें ही देखा, टीवी में कुरुक्षेत्र की सीट का फैसला हुआ है, ठीक है, स्वागत है, मंजूर हमारे हाईकमान ने कहा, लेकिन बात मेरे से हुई है। हुड्डा साहब, अभी विधानसभा सत्र में, बजट सत्र में आप मौजूद है, मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं वहां पर, मैं किसान का बेटा हूं, मैंने हल चलाया है, मैं खुद किसान हूं, और एक तरफ उसी राज्य में किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? कहां पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं किसान हूं, मैंने हल चलाया है, लेकिन उसी राज्य में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य की सीमाओं पर बैठे हैं। देखो, जो बजट दिया है, जो उसमें किसानों को कुछ नहीं किया सरकार, किसान की ऋण माफी की वो बात कह रहे हैं, ब्याज माफ किया, कौन सा ब्याज किसानों का? अरे, कहाँ कर्जा माफ कहाँ किया है, वो तो कह रहे हैं आबियाना हमने छोड़ दिया। आबियाना क्या हुआ, आबियाना का क्या मायना है? और जो फसली ऋण था उसकी बात करें, फसली ऋण तो 0% में था ही पहले। किसानों की जो आज हालत हो रही है, उसे आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? हालत अच्छी नहीं है किसान की, उसको उचित भाव नहीं मिलता, MSP नहीं मिलती, मिलना चाहिए। और जो अब ये पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया है, हरियाणा में किसानों के गांवों में जा जाकर ट्रैक्टरों के जो अनाउंसमेंट की गई है कि आपके जो है वाहन जब्त कर लिए जाएंगे, पासपोर्ट आपके रद्द कर दिए जाएंगे अगर आप आंदोलन में भाग लेंगे, तो देखिए वो तो सरकार का काम है, लेकिन NSA जो लगाया था, कल मैंने विधानसभा में भी उसका अपोज किया था, आज स्टेटमेंट आई है कि NSA नहीं लगाया। अब आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो गया, तो क्या आप कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, किस तरीके से आगे बढ़े? राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है, इनकी नेशनल स्तर पर बने हुए कोऑर्डिनेशन, हरियाणा में तो एक सीट है, उनकी मिलकर लड़ेंगे। लेकिन हुड्डा साहब, ये लोकसभा है, लोकसभा के तुरंत बाद जो है चुनाव प्रचार तो विधानसभा का अभी से ही शुरू हो जाएगा, तो क्या विधानसभा में भी कोई गठबंधन की किस अलायंस की आपकी कोई रोल देखते हैं? अभी नहीं, अभी तो कोई चर्चा नहीं हुई, और मैं समझता हूँ हरियाणा खुद में सक्षम है, अभी तक तो कोई चर्चा नहीं। आगे विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति रहेगी आपकी? लड़ेंगे चुनाव, जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, किस तरीके से? लोग मन बना चुके हैं, छत्तीसगढ़ बिरादरी, हरियाणा की आने वाली सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी, मुद्दे हैं। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा हो गया, जो प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, अपराध में इतना हो गया, और देखिए 4-5 चीज में हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, और कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? आज बेरोजगारी में, अपराध में है, आज आपका जो खेल और खिलाड़ियों को देखा आपने, हमारी बेटियों किस तरह घसीटा गया सड़कों में, हर तरह से विफल सरकार है।
तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है इसके खिलाफ मुद्दों की इतनी बड़ी फेहरिस्त है कि जब जनता के बीच में जाएंगे तो शायद एक आध मुद्दे भूल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव मोड में सरकार जो है पार्टी आ चुकी है, आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हुआ है, उसको लेकर आगे कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या फैसला देगी वो आने वाला वक्त बताएगा।